हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ हार्मोन, इट्स सोर्स एंड फंक्शन. इन ऑप्शन ए हार्मोन वैसोप्रेसिन, सोर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फंक्शन इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन. एंड ऑप्शन बी हार्मोन नोरएपिनेफ्रिन, सोर्स एड्रिनल मेड्यूला, फंक्शन इंक्रीज हार्ट बीट रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस. ऑप्शन सी हार्मोन ग्लूकागोन, सोर्स बीटा सेल्स ऑफ आईलेट ऑफ लैंगरहंस, फंक्शन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ऑप्शन डी हार्मोन प्रोलैक्टिन, सोर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फंक्शन रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन इन फीमेल. सो फर्स्टली सी अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द की कंसेप्ट, दैट इज द हार्मोन वैसोप्रेसिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागोन and prolactin hormone. So we are going to see these key concept one by one. So, अगर हम बात करें वैसोप्रेसिन की, तो वैसोप्रेसिन जो है, this is also known as the anti-diuretic hormone. It is secreted from the posterior pituitary gland. ये posterior pituitary gland से secrete होता है. It increases the reabsorption of, increase the reabsorption of water from distant convoluted tubule DCT of nephron, right? अगर हम बात करें prolactin hormone की, तो जो prolactin hormone होता है, ये release होता है या secrete होता है anterior pituitary gland से, and it is responsible for the formation of milk. Milk formation में ये help करता है, और इसी के साथ साथ मेमरी ग्लैंड से सिक्रेशन कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है. और अगर हम बात करें अनदर हार्मोन ग्लूकागोन की, तो देखो ग्लूकागोन जो हार्मोन है, ये अल्फा सेल्स ऑफ आईलेट्स ऑफ लैंगरहंस से रिलीज होता है, ठीक है. और ये क्या काम करता है ग्लूकागोन हार्मोन, इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ा देता है. अगर हम बात करें एड्रिनल मेड्यूला, तो एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होने वाला जो हार्मोन है, दैट इज द नोरएपिनेफ्रिन हार्मोन और एपिनेफ्रिन हार्मोन, ये दोनों ही रिलीज होते हैं एड्रिनल मेड्यूला से. और ये हार्मोन जो है, ये अलर्टनेस को इंक्रीज कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं, ठीक है. दीज आर द इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं, और ये हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, हार्ट बीट रेट इंक्रीज. नाउ सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन में बोला है कि वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इसका सोर्स तो ट्रू है, बट इन्होंने कहा है कि वाटर लेस को इंक्रीज करता है. नो, इट डिक्रीज द वाटर लॉस. नोरएपिनेफ्रिन एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है, ट्रू. हार्ट बीट रेट को बढ़ाता है, रेस्पिरेशन और अलर्टनेस को भी बढ़ाता है, इट इज ट्रू. ग्लूकागोन जो है वो बीटा सेल से रिलीज नहीं होता, इट इज रिलीज फ्रॉम द अल्फा सेल्स. और प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, नॉट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच है, दैट इज ओनली ऑप्शन बी. So here the finally correct answer is only option B. Hope you understood it well. Best of luck.